मेरा नाम है रमानंद शांडिल्य और आज मैं सुना रहा हूँ मेरी ही लिखी हुई कहानी क्लीन शेव। सड़क हर रोज की तरह गाड़ियों की कतार से भरी हुई थी। ट्रैफिक अगर पोंपो न करता तो शायद ऐसा लगता मानो चीटियाँ घूम रही हैं अपनी अपनी लेन में। मैं अपने ऑफिस के मेन गेट की सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी मुझे लगा कि किसी ने बहुत ही धीमे से मेरा नाम पुकारा सुजाता। आवाज़ मेरे आगे चलती हुई दो लड़कियों में से किसी एक की थी। आपस में बुदबुदा रही थी, कोई हमें भी ऑफिस से लेने आता, गुलाब का फूल देता, सोसाइटी के गेट के बाहर छोड़ता। मुझे लगा कि वो दोनों लड़कियाँ मेरा मजाक बना रही हैं, मुझ पर हंस रही हैं। मैंने अपने कदम तेज किए और उन लड़कियों को पीछे छोड़ आगे निकल गई। गेट के बाहर काले रंग की चमचमाती गाड़ी में सारांश था। रेमंड की वाइट शर्ट, विराट कोहली स्टाइल दाढ़ी और रेबन के गॉगल्स, कितना सुंदर लग रहा था ना वो। हर रोज़ की तरह मुझे ही लेने तो आया था, लेकिन उन लड़कियों की फुसफुसाहट सुनकर आज मन फिर भारी हो गया था। मैंने गाड़ी का गेट खोला तो सारांश ने हमेशा की तरह एक गुलाब का फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हल्की सी मुस्कुराई और अगली सीट पर बैठते ही सीट बेल्ट कसने लगी। सारांश मेरे मूड को मेरी चाल से ही पहचान जाता था। उसने बड़े प्यार से पूछा, आज फिर किसी ने कोई कमेंट किया क्या? मैंने चुप्पी साधे ना में गर्दन हिलाई तो मेरे बड़े बड़े झुमके हिल उठे। सारांश ने ही गिफ्ट किए थे मुझे मेरे पिछले बर्थडे पर। मुझे हंसाने के लिए वो बोला, चाहे सुजाता बोले या ना बोले, लेकिन उसके झुमके तो बतिया ही रहे हैं हमसे। मैं उसको एक टक देखने लगी, जैसे परियों की कहानी में नन्ही परी अपने राजकुमार को देखती है। उसने फिर मजाक में कहा, देखो हमें बोलते हुए झुमके पसंद हैं तो बोलती हुई सुजाता भी। यार ये चुप्पी तोड़ो भी, केवल एक घंटे का तो हमारा साथ होता है और इस एक घंटे को भी हम चुप्पियों में निकाल दें, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है रे सुजाता। मेरी हंसी छूट गई और मैं सारांश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है सारांश, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा? मैं आगे बोलती उससे पहले ही सारांश ने कहा, अरे छीन लेगा डार्लिंग, हम गाड़ी में हैं और गाड़ी हैवी ट्रैफिक में। अगर किसी को मुझे तुमसे छीनना ही होता तो वो मुझे ऑफिस से ही हाईजैक कर लेता, यहाँ बीच रोड से कोई नहीं छीनेगा मुझे। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आज तो इतना ट्रैफिक है कि एम्बुलेंस को स्पेस ना मिले और तुम छीन कर ले जाने की बात कर रही हो। सुनो, ये हाईजैकिंग वाला आइडिया अच्छा है वैसे, लेकिन किसी और सिचुएशन में फिट बैठेगा। मेरा मूड सेटल करना उसे अच्छे से आता था। सारांश ने अपना हाथ गियर हैंडल से हटाकर मेरी थाइस पर रखा तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लगा कि मैं कितनी सहज हो जाती हूँ इस टच से, और सोचने लगी मैं इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हूँ सारांश और मेरे रिश्ते को लेकर। शायद बहुत पुजेसिव हो चली हूँ और किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती सारांश को। मैं सारांश को भीतर तक स्वीकार कर चुकी हूँ, इसीलिए डर लगता है कि कहीं हमारा रिश्ता फूल और ओस वाला ना हो जाए। रात भर ओस अपना अधिकार समझ फूल पर लेटी मोती सी चमकती रहे और सुबह की धूप फूल से ओस का अस्तित्व ही छीन ले। गाड़ी लाल बत्ती पर झटके से रुकी तो मुझे चेत आया और मैंने सारांश से पूछा, सारांश क्या तुम्हें हमारा रिश्ता अनैतिक लगता है? क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम अपनी पत्नी संजना और मैं अपने पति राकेश को धोखा दे रहे हैं? तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो सारांश? क्या नाम दोगे इसे? मैं आगे कुछ और पूछती उससे पहले ही वो बोला, बिल्कुल गलत पकड़े हैं, कोई नया सीरियल देखना शुरू किए हैं क्या आप? यार सुजाता, पहले इन धारावाहिकों ने सास बहू की नहीं बनने दी और अब लगता है हमारी लड़ाई करवा कर ही रहेंगे। सुजाता, यहाँ हर रिश्ता अपनी परिभाषा खुद लिखता है, अपनी व्याकरण खुद बनाता है और इसलिए हर दो लोगों के बीच की कहानी अलग होती है, अलग हमारी शक्लों की तरह। मैं सारांश को एक टक देखे जा रही थी, बस यही चाह रही थी कि वो मुझे समझाता रहे। सारांश ने कहा, और हम मेट्रो शहर में रहने वालों के पास बीवी बच्चों के अलावा खून का संबंध रखने वाला कोई सगा रिश्ता नहीं होता,
जिन पर हम आसानी से विश्वास कर सकें। यहाँ तो जिनसे भी चलते चलते मिलते मिलते दिल मिल जाते हैं, वही सगे रिश्ते, वही सगे संबंध कहलाते हैं। और हाँ, तुम ही बताओ, जब मेरी वाइफ संजना 10 दिन के लिए अपने पीहर गई थी, तो तुम ही लाती थी ना मेरे लिए खाना? और तुम वो बताओ, जब तुम्हारे पति देव क्या नाम है उनका, राकेश, हाँ राकेश को कोरोना हुआ, तो कौन आया था दवा और सामान पहुंचाने? मैं ही ना। देखो सुजाता, हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं, ज़रूरत, लग्जरी नहीं कि कोई छीन लेगा। मेरा मन अभी भी यही कर रहा था कि सारांश बोलता जाए और मैं उसे सुनती जाऊं। सारांश ने कहा, सुजाता, अब ज़माना बदल गया है। पहले जिन संबंधों के नाम होते थे, अब वो सब रिश्ते नाम के ही रह गए हैं, केवल नाम के। लेकिन हमारे रिश्ते का चाहे कोई नाम न भी हो, फिर भी सगा सा तो है। और हाँ, तुमने कभी विचार किया है कि जब भी हम दोनों आपस में मिलते हैं तो हम क्या बात करते हैं? तुम्हारे पास राकेश की और ऑफिस की बातें होती हैं, और मेरे पास मेरी कुछ नई कविताएं। देखो सुजाता, जैसे तुम राकेश की केयर करती हो, वैसे ही मैं भी तो संजना से पलायन करने का कोई इरादा नहीं रखता। सारांश के शब्दों के प्रवाह में मैं बहती जा रही थी और सोच रही थी कि जीवन एक यात्रा ही तो है, और हम सब यात्री, इसलिए हमें अपने विचारों की सड़क खुली रखनी चाहिए, ताकि जीवन की गाड़ी को बार बार ब्रेक न लगाना पड़े। मैं विचारों में गोते लगा रही थी कि तभी सारांश ने वाटर बॉटल मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यार सुजाता, मुझे लगता है हमारे रिश्ते को H2O की ज़रूरत है, इसे घटको और अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। कुछ नहीं होगा हमारे रिश्ते को, कोई नहीं छीन सकता हमारी खुशियाँ, हमारे प्यार को, हमारे साथ को। दिन डूब रहा था ठीक वैसे ही जैसे मैं डूब रही थी सारांश के प्यार में। सारी लाल बत्तियाँ पार कर हमारी गाड़ी खुले रोड पर आ चुकी थी, पोंपों और समाज के चुभते हुए कमेंट से दूर। रास्ता साफ था और मन भी, मन के प्रश्नों की भीड़ पीछे रह गई थी और हमारे प्यार की गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। अब ना रिश्तों को रेड लाइट की रोक टोक की फिक्र थी और ना प्यार को समाज की। फिर भी सारांश बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, ज़्यादा समय इकट्ठे बिताने के लिए और मुझे आश्वस्त करने, मेरा मूड सेट करने के लिए। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी सोसाइटी का गेट थोड़ी देर बाद ही आए। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी सारांश को, दिल में घर बनाता जा रहा था उसका हर वाक्य। मुझे ख्यालों में खोए देख सारांश गाड़ी बिल्कुल धीमे करते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, मुझे लगता है सुजाता मैडम कि जब से आपने मुझे ये रिबन के गॉगल्स गिफ्ट किए हैं ना, तब से आप मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो गई हैं और कुछ फिलोसफर भी। लेकिन मैडम, आप कान खोलकर सुन लो कि सुजाता के इस गिफ्ट को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मैं जोर से हंसकर सारांश से ऐसे चिपक गई जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है प्यार करने के लिए। सारांश ने गाड़ी रोक दी। मैं उसके दिल की धड़कन मेरे दिल के बिल्कुल करीब महसूस कर रही थी, तभी उसकी हथेलियों की गर्मी और उसकी उंगलियों के स्पर्श की सरसराहट मेरी कमर पर होने लगी। मैंने उसके कान को दांतों में दबा हल्के से काटते हुए कहा, सारांश, अब तुम क्लीन शेव हो जाओ ना। मुझे जोर से भींच कर बोला, क्यों, इस बार मुझे साथ लेकर चलोगी क्या बच्चों की पेरेंट्स मीट में? गाड़ी हमारे बेखौफ ठहाके सुनते हुए दौड़ रही थी। गाड़ी रुकी तो मैंने सोचा, इतनी जल्दी क्यों आ गया सोसाइटी का गेट। रमन शांडिल्य, नमस्कार।